जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार और अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं को लेकर कुलपति समेत प्रशासनिक अधिकारियों को हटाए जाने की मांग के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी का घेराव किया। एबीवीपी के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने थाली ताली और घंटी बजाकर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाए कि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। विश्वविद्यालय का शुद्धिकरण जरूरी है और इसके लिए कुलपति समेत अन्य अधिकारियों को हटाए जाने को लेकर संगठन अब लामबंद है। विश्वविद्यालय मेडिकल विश्वविद्यालय में जिस प्रकार लगातार अनियमितता एवं भ्रष्टाचार है, यहाँ के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। आज उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद आज पूरा आया है और कुलपति और रजिस्ट्रार महोदय से इस्तीफा लेना आया है। जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद लगातार 15 दिन से सतत आंदोलन कर रही है, कुलपति रजिस्ट्रार के इस्तीफा की मांग करी है। जब तक कुलपति और रजिस्ट्रार इस्तीफा नहीं देते, विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। आज यह विद्यार्थी परिषद एक सांकेतिक आंदोलन है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो विद्यार्थी परिषद उग्र भी आंदोलन करेगा। संगठन का आरोप था कि विश्वविद्यालय में आने वाले छात्रों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, छात्रों की समस्याओं का निपटारा नहीं किया जाता और अब ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो यहाँ पे जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आकर के यहाँ पे पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं और मेडिकल स्टूडेंट आए हुए हैं जो यहाँ पे लगातार अनियमितताएं जारी हैं, इसको लेकर के हमने पहले भी एक मुहिम छेड़ी थी और चरणबद्ध आंदोलन करने का जो हमने आगाज किया था, आज उसी चरणबद्ध आंदोलन के दौरान आज हम मेडिकल यूनिवर्सिटी में उपस्थित है और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता केवल एक ही चीज को मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जो भ्रष्ट वीसी हैं उनको तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये एक आगाज है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर वो इस मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चैन से नहीं बैठेगी और यह और भी उग्र आंदोलन की तरफ जाएगा। इसलिए यहाँ पे संपूर्ण विद्यार्थी इस मांग को लेकर के बैठेगी, तत्काल को वीसी को इस्तीफा देना चाहिए। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट।